तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग आज रहे भरतपुर दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग, तो वहीं यूआईटी के सभागार में ली अधिकारियों की बैठक, हनुमान जयंती महोत्सव में भी हुए शामिल। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने नगर विकास न्यास के सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मंत्री गर्ग ने भरतपुर ड्रेनेज परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिक संख्या में मशीनें व मानव संसाधन लगाकर कार्यों को अधिक गति दें तथा कार्यों स्थलों दोनों ओर सुरक्षा के लिए लोहे की टीन की दीवार लगवाएं, जिससे आम लोगों को धूल व अथवा अन्य प्रकार की हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। जिसके बाद मंत्री गर्ग हनुमान जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं कमेटी के द्वारा मंत्री सुभाष गर्ग का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री सुभाष गर्ग के साथ जिला कलेक्टर आलोक रंजन, यूआईटी के सचिव कमलराम मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 18 कार्मिकों को हटाने के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। यहां पर भाजपा नेता महावीर राका की अगुवाई में 43 दिन तक अनशन भी किया गया था। मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट ने पहले भी आदेश दिए थे लेकिन वो लागू नहीं हुए थे। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर इंजीनियरिंग कॉलेज ने 18 में से 17 कार्मिकों को पुनः ज्वाइनिंग दे दी है। आज भाजपा नेता महावीर राका भी ज्वाइनिंग के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हठधर्मिता दिखाई थी लेकिन संघर्ष की जीत हुई है। न्यायालय पर हमें पहले भी पूरा भरोसा था और हम आभारी भी हैं कि न्यायालय के फैसले को आखिरकार माना गया। हालांकि सरकार को ये पहले ही मान लेना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ संघर्ष की जीत हुई। उन 18 कार्मिकों के जो परिवार थे वो भी लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष में साथ थे। महावीर राका ने अनशन के दौरान सहयोग करने वाले सभी नेताओं का भी आभार जताया है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगाई गई है उसके अधीन रहेगा। प्रदेश में 10 लाख पट्टों के वितरण के गहलोत सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान को करीब करीब 70% पूरा कर लिया गया है और 7 लाख पट्टे पूरे प्रदेश में अभी तक बना करके वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन अभियान के बाकी टारगेट को पूरा करने से पहले ही अब इस पूरे मामले में नियमों में अभूतपूर्व सरलीकरण कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर के 6 पृष्ठों के पट्टा के आवेदन पत्र को केवल 1 पृष्ठ का रख दिया गया है और उसमें भी केवल 6 बिंदु शामिल है। दस्तावेज भी अगर उपलब्ध नहीं है या फिर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो फिर किसी भी एक वैकल्पिक दस्तावेज से ही पट्टा आवेदन को प्रोसेस कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने आज गृहनगर कोटा में कोटा संभाग के स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ ही विदेश अधिकारियों के साथ प्रशासन सहयोग संघ अभियान की कार्यशाला को संबोधित करते हुए अधिकारियों को साफ तौर पर इस बात के लिए सख्ती से हिदायत दी है कि किसी भी योग्य पट्टा आवेदक को न तो टरकाना है न हर हाल में उसको चक्कर काटने के लिए मजबूर करना है। इसके साथ ही धारीवाल ने इस बात पर की नाराजगी का इजहार किया कि कोटा जो कि उनका गृह शहर है वो पट्टा आवेदन और इसके लक्ष्यों के मामले में काफ़ी पिछड़ रहा है। धारीवाल ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि कोटा से छोटे अजमेर ने 86% टारगेट हासिल कर लिया है जबकि कोटा से बड़े जोधपुर में 75% लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है लेकिन कोटा केवल 57% पर अटका हुआ है। धारीवाल ने नया टारगेट थमाते हुए कहा कि हमें अगले 6 महीनों में 10 लाख के लक्ष्य को भी पार करके इससे आगे निकलना है। पाली जिले के बाली उपखंड के आदिवासी क्षेत्र पीपलाज में 9वीं कक्षा के एक छात्र की निर्मम हत्या के बाद प्रशासनिक स्तर पर समझाइश के दौर के चलते गुरुवार की शाम को इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को लेकर पुलिस ने 3 बाल अपचारियों को भी गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार पीपलाज गांव में इन दिनों आदिवासी क्षेत्र के लोगों की ओर से गणगौर के मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर नाच के दौरान हुई कहासुनी के चलते 9वीं कक्षा के आदिवासी छात्र करण ग्रासिया की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर जो तनाव के हालात बने वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर आरोप के घर व झोंपड़े भी आग के हवाले स्थानीय लोगों ने कर दिए थे। उसके बाद भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था जिसमें सिरोही और जालोर के पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समझौता वार्ता आयोजित की गई। उसके बाद जब
तीन बाल अपचारियों को गिरफ्तार करने की सूचना दी गई थी। उसके बाद सेवाड़ी के अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में गुरुवार की शाम को इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को पूरा भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के बाद जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर खुद पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला मामले पर नज़र लगाए हुए हैं।